हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकाउंटेंसी क्लास। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की वीडियो आज आपको मिल जाएगी। तो ये रही वो वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे 20 पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को, जिससे आपका चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा और आपके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आपका टाइम बहुत कीमती है, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एमसीक्यू। और फर्स्ट एमसीक्यू आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो बेसिकली आपको चार स्टेटमेंट्स गिवन है जिसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स है जो सही है। पहली स्टेटमेंट आपकी है, वैलिड पार्टनरशिप कैन बी फॉर्मुलेटेड Even without a written agreement between the partners। तो वो आपने क्या बोल रहे हैं, वो आपसे बोल रहे हैं कि देखो, आपकी जो पार्टनरशिप है वो तब भी वैलिड मानी जाएगी अगर आपने कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं किया है। हाँ ठीक है, क्यों? क्योंकि ओरल एग्रीमेंट भी तो वैलिड माना जाता है, बिल्कुल। सेकेंड है, ईच पार्टनर कैरिंग ऑन द बिजनेस इज द प्रिंसिपल एज वेल एज द एजेंट फॉर ऑल द अदर पार्टनर्स। ये आपने पार्टनरशिप के फीचर्स में पढ़ाई है कि जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो एक दूसरे के प्रिंसिपल भी होते हैं और एजेंट भी होते हैं। म्यूचुअल एजेंसी उनके बीच में रिलेशन होता है, बिल्कुल सही। ये भी सही है और ये भी सही है। थर्ड आपका है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन बी 50। पार्टनरशिप में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स है वो 50 ही हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। मेथड्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स कैन नॉट बी पार्ट ऑफ द पार्टनरशिप डील। उन्होंने क्या बोला, ध्यान से मेरी बात सुनो, कह रहे जो पार्टनर्स के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता, लड़ाइयाँ हो जाती है, उसका जो सेटलमेंट का मेथड है कि भाई वो लड़ाई सॉल्व कैसे होगी, डिस्प्यूट सॉल्व कैसे होगा, भाई अगर लड़ाई हो गई तो किसकी मानी जाएगी, कैसे डिसाइड होगा, ये सब चीज़ें आप पार्टनरशिप डीड में नहीं लिख सकते, कैन नॉट बी पार्ट ऑफ द पार्टनरशिप डीड। आप सोचो क्या ये सही है या गलत है, इंपॉर्टेंट आपने पहले नहीं पढ़ा होगा। आपसे पूछा गया कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, देखो पहली सही है, पहली बिल्कुल सही है, दूसरी सही है, हाँ जी दूसरी भी सही है, तीसरी भी सही है, लेकिन जो चौथी है, फोर्थ स्टेटमेंट, वो गलत है। क्यों? आप सेटलमेंट का जो मेथड है वो भी पार्टनरशिप डीड में डाल सकते हो। मान लो पांच पार्टनर्स है, ठीक है, किसी चीज पे दो पार्टनर्स का ओपिनियन अलग है, तीन का अलग है, तो भाई पार्टनरशिप डीड में आप लिख सकते हो कि मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स जो मानेंगे वही माना जाएगा, है ना। तो ये क्या है, सेटलमेंट का मेथड है, डिस्प्यूट हो गया तो क्या होगा, ये आप पार्टनरशिप डीड में लिख सकते हो। तो ये हुआ गलत, आंसर हो गया ओनली 1, 2 and 3। क्या आपको बात समझ में आ गई? राइट, सेकेंड एमसीक्यू फटाफट से देखते हैं। आ जाओ, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी दे आर पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट। मिसेस ए हैज गिवन अ लोन ऑफ ₹50,000 टू द फर्म एट 10% पर एनम। एट द एंड ऑफ द ईयर लॉस वॉज इंकर्ड इन द बिजनेस फॉलोइंग इंटरेस्ट मे बी पेड टू मिसेस ए बाय द फर्म। अब ये मैंने बहुत ही सोच समझ के एमसीक्यू फ्रेम किया है, क्यों? मेरी बात ध्यान से सुनोगे, ठीक है। यहाँ पे आपको बोला गया कि पार्टनर्स है मिस्टर ए और मिस्टर बी, लेकिन लोन किसने दिया है, लोन दिया है मिसेस ए ने। बार बार मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं कि क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, पेपर इजी आएगा, दिक्कत सिर्फ उनको होगी जो क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। अब पार्टनर्स कौन है, ए और बी, लोन किसने दिया, मिसेस ए के लिए। जो भी पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है वो पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म के बीच में जो होता है उसके बारे में लिखा हुआ है। अगर पार्टनर लोन देगा तो क्या होगा, ये लिखा हुआ है किसमें, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। पढ़ाना आपने कि अगर पार्टनर लोन देता है और एग्रीमेंट नहीं है तो 6% से इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन ये पार्टनर नहीं है तो आपके वो एक्ट वाले प्रोविजन तो नहीं अप्लाई होंगे, राइट। वो चीज ध्यान रखनी है आपको। यहाँ पे बोला गया मिसेस ए ने लोन दिया 10% पे, तो मिसेस ए को इंटरेस्ट मिलेगा 10% पे ही। यहाँ पे एग्रीमेंट नहीं है, विदाउट एनी एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट है या नहीं है क्या फर्क पड़ता है, एग्रीमेंट नहीं होता तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 में क्या लिखा है। वहां पे सिर्फ पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म के बीच में क्या होगा वो लिखा है, किसी आउटसाइडर के बारे में थोड़ी लिखा है। अगर मिसेज ए कौन है, मिसेज ए आउटसाइडर है पार्टनरशिप फर्म के लिए, किसी भी पार्टनर का हस्बैंड या वाइफ हो, पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है वो आउटसाइडर। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। तो जो इनको इंटरेस्ट मिलेगा वो 10% से ही मिलेगा, बेशक पार्टनरशिप फर्म में लॉस क्यों ना हो रहा हो। तो हम क्या करेंगे, हम इंटरेस्ट देंगे उसको 10% पर एनम से, 6% वाली गलती मत करना, समझ में आ गया, ध्यान रखनी है चीज। नेक्स्ट देखो एमसीक्यू नंबर 3, अगेन इंपॉर्टेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप। इन चारों में से पार्टनरशिप के लिए कौन सा एलिमेंट एसेंशियल नहीं है। पहली बात, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कहते नहीं सर एग्रीमेंट होना जरूरी नहीं है। बेटा रिटर्न एग्रीमेंट होना जरूरी नहीं है, ओरल एग्रीमेंट और रिटर्न एग्रीमेंट दोनों हो, दोनों में से कोई भी हो चलेगा, लेकिन एग्रीमेंट होना जरूरी है। बिना एग्रीमेंट के तो बिजनेस कर नहीं सकते,
है ना, तो वो गलती मत करना। यहाँ पे लिखा है देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, हाँ जी एग्रीमेंट होना जरूरी है, ये सही है। ये नहीं लिखा कि देयर मस्ट बी अ रिटन एग्रीमेंट, अगर लिखा होता देयर मस्ट बी अ रिटन एग्रीमेंट तो मैं बोलता कि गलत है, ठीक है। देयर मस्ट बी अ बिजनेस, 100% बिजनेस नहीं है तो पार्टनरशिप किस चीज की, हाँ या ना। थर्ड है द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन फॉर प्रॉफिट, समाज सेवा करने के लिए आपने कुछ खोला है, पार्टनरशिप नहीं माना जाएगा, एनजीओ होगा वो, ठीक है। द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स, अब ध्यान से मेरी बात सुनो, जरूरी है क्या कि भाई बिजनेस सारे के सारे पार्टनर्स ही चलाएंगे, नहीं। तो एक पार्टनर था जिसने सिर्फ पैसा लगाना था उसने लगा दिया, वो ज्यादा कुछ काम नहीं करता, द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। आंसर क्या आ गया आपका, ऑप्शन नंबर डी, ध्यान रखेंगे। आ जाओ फटाफट से फोर्थ पे, मैं बता रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है आज के। इन अ पार्टनरशिप फर्म पार्टनर ए एंड बी दे आर एंटाइटल्ड अ मंथली सैलरी ऑफ 2000 ईच, एट द एंड ऑफ द ईयर फर्म अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ 75,000 आफ्टर चार्जिंग ए सैलरी बट बिफोर चार्जिंग बी सैलरी, ओके। इफ द मैनेजर इज एंटाइटल्ड अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इज कमीशन, मैनेजर्स कमीशन विल बी, ऐसा क्वेश्चन आपने पहले करा होगा, मैंने थोड़ा सा उसको ट्विस्ट किया है, बस ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। देखो सबसे पहले क्या बोला आपको, जो कमीशन निकालनी है वो आपको निकालनी है नेट प्रॉफिट पे, है ना। एक चीज आपको पता है, नेट प्रॉफिट का मतलब होता है वो प्रॉफिट जिसमें से पार्टनर्स की कोई भी अप्रोप्रिएशन की आइटम लेस नहीं हुई, मतलब पार्टनर्स की कोई भी सैलरी लेस नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो आपको ये 75,000 गिवन है आफ्टर चार्जिंग ए सैलरी है, हाँ या ना। आफ्टर चार्जिंग ए सैलरी का मतलब आपको पता है कि ए की सैलरी माइनस करने के बाद तो हम क्या करेंगे, उसको करेंगे प्लस। अब सैलरी कितनी है, सैलरी आपकी 2000 ईच लेकिन मंथली है, ये चीज़ें ध्यान रखना, क्या है मंथली, तो मुझे एक बात बताओ मंथली है 2000 कितना हो जाएगा, 24,000, 75,000 प्लस 24,000 ये आपका कितना हो जाएगा 99,000, तो 99,000 आपका प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, क्यों 75,000 आफ्टर चार्जिंग ए सैलरी था लेकिन बिफोर चार्जिंग बी, मतलब बी की सैलरी माइनस नहीं हुई थी, हमें करनी भी नहीं थी, सही है, ठीक है। 99,000 का 10% आफ्टर चार्जिंग है तो 110, सिंपल आपका आंसर आ गया 9,000, ईजी था, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, क्वेश्चन आपको ईजी ही लगेगा। फिफ्थ पे आओ फटाफट से, फिफ्थ देखो आपसे क्या पूछ रहा है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, देयर कैपिटल्स आर 2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है आपका 8% पर एनम से, फर्म अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ 15,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अमाउंटिंग टू 2,000 एंड 1,000 इज चार्ज फ्रॉम ए एंड बी, एक तो आपको प्रॉफिट गिवन है उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स गिवन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी, अगेन बहुत बढ़िया क्वेश्चन। मैंने कोशिश करी है कि जो मैं आज आपको 20 क्वेश्चंस कराने वाला हूँ उसमें पूरा चैप्टर कवर कर दूँ, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं। तो देखो ध्यान से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, तो सबसे पहले तो मैं निकाल लेता हूँ कि एक्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना कितना है। देखो एक्स का कैपिटल कितना है, 2 लाख, ठीक है, 2 लाख का मुझे देना है उसको 8%, ये होता है आपका 16,000, ये तो सिंपल है। सिमिलरली वाई का देखता हूँ, वाई का 1 लाख कैपिटल है और मुझे देना है 8%, ये आ गया 8,000, चलो ठीक है। अब टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना कितना है, 24,000, लेकिन आपके पास प्रॉफिट कितना है, 15,000, बच्चे यहीं पे गलती कर देंगे, बच्चे क्या करेंगे, बच्चे बांट देंगे 2:1 में, है ना, किसको, 15,000 को, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन उन्होंने कर रखे हैं। मैंने यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर दी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, क्या ऐड कर दी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। मुझे एक बात बताओ, क्या सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप 15,000 ही दे सकते हो, दोबारा रिपीट करता हूँ, क्या आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर्स को देना है 15,000 ही दे सकते हो क्योंकि प्रॉफिट उतना है, नहीं भाई, जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनरशिप फर्म को मिल रहा है वो भी तो पार्टनरशिप फर्म के लिए प्रॉफिट होता है, हाँ या ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पार्टनरशिप फर्म के पास पैसा है कितना, 15,000 का प्रॉफिट है प्लस 3,000 का उसके पास है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो टोटल अब उसके पास है 18,000, क्या ये बात समझ में आ गई, टोटल पार्टनरशिप फर्म के पास 18,000 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना 24,000, तो 24,000 तो नहीं दे सकती, अपने प्रॉफिट से ज्यादा वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को दे नहीं सकती, तो मैं इस 18,000 को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा इसकी रेशियो में, रेशियो आ रही है 2:1, क्या आ रही है 2:1। क्वेश्चन में एक छोटा सा ट्विस्ट था कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी आपको गिवन था, वो मिस मत कर देना, 2:1 में 18,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा और ये मेरा आ जाएगा 12,000 और 6,000, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ फटाफट से सिक्स्थ पे, हाँ जी सिक्स्थ, ठीक है। तो थ्योरी मैंने पूरी कवर करी है जितने भी पार्टनरशिप फंडामेंटल से बन सकती है, तो आंसर दो मुझे इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, सच क्या है, अ माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर, ठीक है,
A minor can be admitted as a partner only into the benefits of the partnership. A minor can be admitted as a partner, but his rights and liabilities are same of adult partner. None of the above. अब मेरी बात ध्यान से सुनो, बच्चे कंफ्यूज क्या होंगे ए और बी में, कि सर माइनर पार्टनर बन सकता है, हाँ, और सेकंड है माइनर पार्टनर बन सकता है लेकिन सिर्फ बेनिफिट्स के लिए. आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी. जनरली माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, सिर्फ तभी बन सकता जब वो सिर्फ बेनिफिट्स के लिए ही पार्टनर बन रहा है. बात समझ में आ गई? ठीक है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन देख रहे हैं आपको, ऑप्शन बी था मोस्ट अप्रोप्रिएट. फटाफट से देखो, सेवेंथ, ए बी एंड सी देयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, देयर कैपिटल बैलेंस ऑन March 31st, 2021 1,80,000, 1,40,000, देयर पर्सनल एसेट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्सनल एसेट्स है 25, 15 and 50, द एक्सटेंट ऑफ देयर लाइबिलिटी. आपसे पूछा गया कि पार्टनर्स की लाइबिलिटी बता दो, कितनी लाइबिलिटी हो सकती है. आपको दिए गए हैं तीनों पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंसेस और उनके पर्सनल एसेट्स. अब अगेन थ्योरी पॉइंट है, और ऐसे एमसीक्यूज आपने कम कर रखे होंगे, क्यों? आपकी बुक में नहीं है, है ना? मुझे फटाफट से बताओ सेवंथ का आंसर क्या होगा. अब मेरी बात ध्यान से सुनो, पार्टनर्स का जो कैपिटल का बैलेंस होता है वो उनकी लायबिलिटी नहीं है, वो पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी है. वो तो पार्टनर्स ने पैसा दे रखा है. पहली बात ये होती है कि पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड. अनलिमिटेड का मतलब ये होता है कि भाई अगर इनकेस पार्टनरशिप फर्म के पास पैसे नहीं बचे लोन पे करने के लिए या डेट पे करने के लिए, तो पार्टनर्स को अपने पर्सनल एसेट्स यूज करने पड़ेंगे लायबिलिटी को पे करने के लिए. उनके पर्सनल एसेट्स कितने हैं? 25, 15 और 50, यही है उनकी लायबिलिटी. जितने पर्सनल एसेट्स उनके पास हैं उतनी ही लायबिलिटी होगी उनकी पार्टनरशिप फर्म में. बात समझ में आ गई? कितने हैं? 25, 15 और 50. तो ध्यान रखना, जितने पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स होंगे उतनी उनकी लायबिलिटी होगी. बात खत्म. ठीक है, आ जाओ फटाफट से एट्थ पे. एट्थ देखेंगे ध्यान से. A and B their partners, B draws a fixed amount during the 6 months ended on 31st March, interest on drawings 12% per annum, at the end of the year interest on B's drawing 4800, monthly drawing nikalo. ऐसा क्वेश्चन आपने कहाँ देखा है? CBSE के सैम्पल पेपर में, लेकिन थोड़ा सा अलग था और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अलग कर दिया. ठीक है, बात समझ में आ गई? देखो करना कैसे है. आपको सबसे पहले निकालना है फॉर्मूला. इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, टोटल ड्रॉइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड अपॉन 12 इक्वल्स टू इंटरेस्ट. सब कुछ दे दिया, आपको निकालना क्या है? वो टोटल ड्रॉइंग वाला. टोटल ड्रॉइंग निकालेंगे, वहां से निकलेगा हमारा मंथली ड्रॉइंग. अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होती है मैं आपको बताऊंगा. सबसे पहले निकालो एवरेज पीरियड. सर आप थोड़ा फास्ट करा रहे हो बेटा, टाइम तो अपने पास है ही नहीं, स्पीड तो अब बनानी पड़ेगी. अब नहीं बनाओगे तो कब बनाओगे? एवरेज पीरियड निकालना सबसे इंपॉर्टेंट. ठीक है, अब आपने बोला है बी ड्रॉज अ फिक्स अमाउंट ड्यूरिंग द 6 months. अब मेरी बात ध्यान से सुन लो, 90% बच्चे इसको गलत करेंगे, मैं गारंटी दे सकता हूँ. आपको बोला है ड्यूरिंग द 6 months एंडेड 31st March 2021. क्या आपको मेंशन है कि भाई कब बिगिनिंग, मिडल एंड कब? कुछ मेंशन नहीं किया, हाँ या ना? अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मान लेंगे एवरेज पीरियड को 6 months, क्योंकि सर डेट ऑफ ड्रॉइंग तो गिवन नहीं है. मैं बता दूँ 6 months नहीं आएगा. मुझे पता है सबने 6 months रट रखा है कि भाई जब भी डेट गिवन ना हो तो 6 months लगा दो. मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको याद रखना है कि जब डेट गिवन नहीं है तो इसका मतलब ड्रॉइंग हमेशा मिडल में हुई है. क्या हुई है? मिडल में. बेटा मिडल में होती है इसलिए वो आपका 6 months आता है, लेकिन 6 months तब आता है जब आप पूरे 12 महीने के लिए ड्रॉइंग करते हो. नहीं समझ में आया? मेरी बात ध्यान से सुनो. ठीक है, मान लो आपने पूरे साल ड्रॉइंग करी है. ठीक है, आपको गिवन है ड्यूरिंग द ईयर, मतलब डेट गिवन नहीं है. मान लो आपने हर महीने के मिडल में करी है, तो एवरेज पीरियड निकालो कैसे? टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग कितना बचेगा? 11.5 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग 0.5 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 6 महीने. ऐसे आते हैं वो 6 महीने, इसलिए बोला जाता है 6 महीने. ठीक है, अब यहाँ पे आपने पूरे साल ड्राइंग नहीं करी, मैंने क्वेश्चन में लिख दिया कि भाई 6 महीने के लिए करी है, और वो 6 महीने एंड कब हो रहे हैं? 31st मार्च को. इसका मतलब ड्राइंग शुरू हुई होगी अक्टूबर से. अब अक्टूबर में मिडल, बिगिनिंग, एंड नहीं गिवन, तो आपको क्या मानना है? हमेशा याद रख लो, क्या मानना है? मिडल. इसका मतलब पहली ड्राइंग हुई होगी 15th अक्टूबर को, कितने महीने बच गए? 5.5. लास्ट ड्राइंग 15th मार्च 0.5 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आएगा? 3 मंथ आएगा, 6 महीने नहीं आएगा. यहीं पे बच्चों ने गलती कर दी बहुत सारा, है ना? ठीक है, एवरेज पीरियड निकाल लिया. अब तो सिंपल है, इसके बाद हमें क्या करना है? टोटल ड्रॉइंग्स को मैं लेता हूँ एक्स मल्टीप्लाई बाय रेट, आपको गिवन है 12% मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड, आपने निकाला 3/12, और इसका आंसर क्या है? 4800. ठीक है, अब आपको मैथ्स लगानी है, फटाफट से सॉल्व करेंगे कि आंसर आएगा. कैसे करेंगे?
4800 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 3 आंसर आ रहा है 1,60,000। दोस्तों आंसर आ रहा है 1,60,000। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो, 1,60,000 आ तो रहा है, 1,60,000 तो ऑप्शन में ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये टोटल ड्रॉइंग है, दिस इज टोटल। आपसे पूछी गई है मंथली ड्रॉइंग। अगेन क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, अगर ऑप्शन में मैं 160 डालता आप 160 कर देते, मुझे पता है। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे टोटल ड्रॉइंग्स में 160। अब इसको 12 से डिवाइड नहीं करना, इसको 6 से डिवाइड करना, क्योंकि 6 महीने ड्रॉइंग की थी। 160 को 6 से डिवाइड करो जरा, आंसर आ रहा है 26,667। तो यहाँ पे मुझसे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हुई है, ये क्या है 26,000, 2 लगा देना इसके आगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आ गया आपका आंसर, जो मैं आपको पीडीएफ दूंगा, पीडीएफ में आपको ठीक करके दे दूंगा। आंसर क्या आ गया 26,667। समझ में आ गया, क्वेश्चन अच्छा था, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। पहले देख लो कि भाई क्या आपको बिगिनिंग एंड कुछ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ हमेशा आपको क्या मानना है मिडिल। दूसरी बात आती है कि भाई देख लो पूरे साल ड्राइंग करी है, 6 महीने ड्राइंग करी है, 9 महीने करी है, ठीक है। तीसरी बात, आपसे टोटल ड्राइंग पूछी गई है या मंथली ड्राइंग पूछी गई है? आपसे मंथली पूछी गई है, लेकिन फॉर्मूले में हम क्या निकालते हैं टोटल, तो उसको डिवाइड करना मत भूलना। अब डिवाइड किससे करेंगे वो भी ध्यान रखना, कितने महीने के लिए ड्राइंग करी है। समझ में आ गया, राइट। नेक्स्ट देखो एमसीक्यू नंबर 9। पिंकी एंड पिंकू आर रनिंग अ चैरिटेबल डिस्पेंसरी अलॉन्ग विद देयर 45 फ्रेंड्स। They want to involve 6 of their friends in this. Are they allowed to do so? क्या वो ऐसा कर सकते हैं? No, since maximum partners can be 50. सिर्फ 50 ही partners हो सकते हैं, पता है आपको, है ना? 45 तो वो already है, ठीक है? 6 और add करना चाहते हैं तो 51 हो जाएंगे, तो नहीं कर सकते। Yes, since maximum partners can be 100. नहीं नहीं, 100 नहीं हो सकते, 50 हो सकते हैं। Yes, since it is not a partnership firm. अब A और C में ध्यान से सुनो, बहुत सारे बच्चे ए कर देंगे। दोस्तों वो क्या चला रहे हैं? वो चला रहे हैं चैरिटेबल डिस्पेंसरी। चैरिटेबल डिस्पेंसरी क्या ये पार्टनरशिप हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों? पार्टनरशिप में बिजनेस का होना बहुत जरूरी है, प्रॉफिट मोटिव का होना बहुत जरूरी है, जो दोनों यहाँ पे मिसिंग है। जब अगर आप कुछ काम चैरिटी के लिए कर रहे हो तो बिजनेस कहाँ से आया, प्रॉफिट कहाँ से आया? बात समझ में आ रही है? तो भाई जब बिजनेस या प्रॉफिट ही नहीं है, बिजनेस और प्रॉफिट नहीं है, तो मुझे एक बात बताओ, पार्टनरशिप तो हुई नहीं। और जब पार्टनरशिप नहीं हुई तो भाई आप कितने मर्जी फ्रेंड्स को ऐड करो, क्या फर्क पड़ता है? आंसर क्या है? यस, सिंस इट इज नॉट अ पार्टनरशिप फर्म, वो उन 6 लोगों को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप के रूल इसमें नहीं लगेंगे, क्योंकि पार्टनरशिप ही नहीं है। अच्छा क्वेश्चन था, राइट। देखो क्वेश्चन नंबर 10, देखो एमसीक्यू नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर व्हेन द फर्म मेंटेन्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। आपसे पूछा गया है कि भाई आपको बतानी है एक जर्नल एंट्री, 4 ऑप्शन आपको गिवन है, इंटरेस्ट ऑन लोन की जर्नल एंट्री। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, क्रेडिट पार्टनर्स लोन अकाउंट एंड डेबिट पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड क्रेडिट पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट पार्टनर्स लोन अकाउंट एंड डेबिट पीएनएल अकाउंट, क्रेडिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड डेबिट पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहली बात, अगर किसी को कंफ्यूजन है एलिमिनेट कैसे करना है, कि भाई लोन है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा, पहली बात तो पीएनएल अकाउंट में जाएगा। तो जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन वाले हैं उनको तो कर दो एलिमिनेट। ये भी गया, ठीक है, ये भी गया और ये भी गया, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। बताओ ऐसे भी कर सकते हैं? हाँ जी, ठीक है, एलिमिनेट करना सीख लो। जिन बच्चों को नहीं आता समझाता हूं कैसे होगा। देखो मेरे बच्चों ध्यान से सुनो, एक चीज ध्यान रखो, लोन कभी भी लोन से रिलेटेड आइटम आपके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में नहीं जाती, ना तो इंटरेस्ट जाएगा ना ही लोन का बैलेंस जाएगा, कैपिटल अलग है लोन अलग है। बात समझ में आ रही है? तो लोन कभी भी कैपिटल में नहीं जाएगा, लोन का हमेशा क्या बनेगा, अलग से अकाउंट बनेगा। इसलिए आप क्या करोगे, लोन अकाउंट को करोगे क्रेडिट। क्यों? क्योंकि भाई अगर आपको लोन पे इंटरेस्ट देना है तो लोन का बैलेंस तो बढ़ेगा ना, लोन पे जो इंटरेस्ट देना है वो क्या करेगा, बैलेंस बढ़ाएगा लोन का। और क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के लिए खर्चा है तो क्या करोगे, डेबिट पीएनएल अकाउंट को डेबिट करोगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं जाता। पता है आपको, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखेंगे। आ जाओ 11th पे। ओके 11th एमसीक्यू देखो फटाफट से, कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड अ पार्टनरशिप फर्म इज एंटाइटल्ड, अ पार्टनरशिप फर्म इज एंटाइटल्ड टू एन इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट एडवांस टू द पार्टनर एट द रेट ऑफ। अब देखो ये जो लाइन है ना, काफी बच्चों को कंफ्यूज करेगी, समझ में ही नहीं आएगी कि पूछा क्या गया है, और आंसर वो टिक कर देंगे 6% पर आना। मैं आपको समझाता हूँ दोबारा से कि क्या लिखा गया। पहली बात तो पार्टनरशिप डीड नहीं है, ये बात तो समझ में आती है। अ पार्टनरशिप फर्म इज एंटाइटल्ड टू एन इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट एडवांस टू द पार्टनर, मतलब
कि भाई पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, पार्टनरशिप फर्म ने दिया है, और उस पे पार्टनरशिप फर्म को कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 6% पर आराम से? नहीं, आंसर है नॉट एंटाइटल फॉर एनी इंटरेस्ट. क्यों? क्योंकि भाई पहली बात तो पार्टनरशिप डीड नहीं है. पार्टनरशिप डीड जब नहीं होती तो प्रोविजन ये है कि पार्टनर जब पार्टनरशिप फर्म को लोन देगा, पार्टनर जब पार्टनरशिप फर्म को लोन देगा तो उसको 6% इंटरेस्ट मिलेगा. पार्टनरशिप फर्म जब लोन देगी उसका कोई प्रोविजन नहीं है, उसके केस में पार्टनरशिप फर्म को लोन नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा. समझ में आ गया? शब्दों का खेल है बस, समझना है आपको. 12th पे आ जाओ फटाफट से. पंकु मंकु एंड डंकू आर पार्टनर्स इन द रेशियो 5:3:2. ऑल द पार्टनर्स वॉज एंटाइटल टू सैलरी ऑफ 50,000 ईच. इफ मंकू शेयर ऑफ प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर अमाउंटेड टू 150, वट इज द टोटल अमाउंट दैट डंकू विल रिसीव. अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, क्योंकि आपको पता है ऐसा क्वेश्चन सीबीएसई ने डाला हुआ है. आपको बोला क्या गया, सब पार्टनर्स को पहली बात तो 50% क्या मिलेगा, 50% सैलरी मिलेगी. मंकू का शेयर ऑफ प्रॉफिट है 1,50,000. आपसे पूछा गया टोटल अमाउंट. अब ये जो एक टोटल वर्ड इन्होंने ऐड कर दिया ना, पूरा क्वेश्चन यहीं पे चेंज कर दिया. मैंने आपको बताया जो एक एक वर्ड आपको बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है? आप आराम से डंकू का प्रॉफिट का शेयर निकाल सकते हो. कैसे निकाल सकता हूँ देखो, आपको गिवन है. क्या गिवन है? कि भाई जो मंकू है, इसको मिल रहा है 1,50,000. कितने शेयर के लिए मिल रहा है? मंकू का शेयर कितना है? 3/10. टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करूंगा कि भाई 1,50,000 को मल्टीप्लाई करूंगा किससे? 10/3 से. मान लो टोटल प्रॉफिट क्या है? एक्स. इसका जो 3/10 है वो है 1,50,000. तो टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करूंगा? 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 3, ये आ गया 5 लाख. कितना आ गया? 5 लाख. अभी 5 लाख है टोटल प्रॉफिट, तो मैं आराम से डंकू का निकाल सकता हूँ. डंकू है थर्ड वाला, मतलब 2/10. इसका करेंगे 2/10, ये आराम से आ गया 1 लाख. अब बहुत सारे बच्चे 1 लाख टिक कर देंगे, दोस्तों गलत है. आपसे पूछा गया टोटल अमाउंट दैट डंकू विल रिसीव. 1 लाख का तो प्रॉफिट है भाई, 50,000 की सैलरी भी तो है. आंसर क्या आ गया? 1,50,000. बात समझ भाई? टोटल पूछा गया. अगर आपसे पूछते प्रॉफिट शेयर तो मैं लिखता हूँ 1 लाख, यहाँ पे पूछा गया टोटल अमाउंट. ध्यान रखना. आ जाओ फटाफट से 13th पे, देखो क्या है. ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2. ऑन 31st March देयर बुक्स रिफ्लेक्टेड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 2 लाख, ठीक है? एज पर द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड दे वर एंटाइटल फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो आपको गिवन है 40, 30 और 20, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपको गिवन है 5,000 और 1,000 ए और सी का. बिसाइड्स दिस अ सैलरी ऑफ 60,000 ईच वॉज पेबल टू ए एंड बी. सी हैज एडवांस अ लोन ऑफ 50,000. हाउ मच अमाउंट इन टोटल सी इज एंटाइटल टू रिसीव. अगेन क्या पूछा गया है? इन टोटल, टोटल बताओ सी को कितना अमाउंट मिलेगा. समझ में आया? देखो, अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको पहले ही बता देता हूँ. यहाँ पे आपको गिवन क्या है? नेट प्रॉफिट. मैं आपको बताता हूँ कन्फ्यूजन कहाँ पे होगी, जो नहीं होनी चाहिए एग्जाम में. नेट प्रॉफिट गिवन है, गिवन है या नहीं गिवन? 100% आपको क्या गिवन है? नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट क्या गिवन है? नेट प्रॉफिट. और आपको यहाँ पे एक चीज गिवन है, सी हैज एडवांस्ड अ लोन ऑफ 50,000 एट 10% पर एनम. मतलब लोन दिया जिस पर 10% इंटरेस्ट मिलेगा. तो क्या सवाल ये है, क्वेश्चन ये है कि क्या ये इंटरेस्ट हमें प्रॉफिट में से लेस करना है या ऑलरेडी हो चुका है? बेटा ऑलरेडी हो चुका है. ये आपको कब सोचना है? जब आपको नेट प्रॉफिट गिवन है. या तो अगर वो क्वेश्चन में लिखते कि नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन, तो मैं माइनस करता. जब आपको क्या गिवन है? नेट प्रॉफिट. तो आप क्या मान के चलोगे? आप ये मान के चलोगे कि भाई क्योंकि नेट प्रॉफिट गिवन है और नेट प्रॉफिट आता है सारी आइटम लेस करने के बाद, तो इसका मतलब ये इंटरेस्ट ऑलरेडी वो माइनस हो चुका है. ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? कंफ्यूज नहीं होना. उसके बाद सी को क्या क्या चाहिए? सी को मिलने वाला है एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अगर मैं बात करता हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ. कितना? 20,000 का. ओके. एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज फ्रॉम ANC. तो भाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो माइनस करेंगे क्योंकि देनी पड़ती है. देनी होती है, कितनी है आपकी? है 10,000. इसको तो हम करेंगे माइनस. चलो ठीक है. सैलरी भी 60,000 की ए और बी को. लेकिन ए और बी को, अब ए और बी को मिल रही है ना भाई, सी को तो नहीं मिल रही. और सी ने लोन दिया है. अब आपसे पूछा क्या गया? टोटल. तो इसमें एक तो मुझे प्रॉफिट शेयर ऐड करना पड़ेगा. क्या ऐड करना पड़ेगा? प्रॉफिट शेयर. तो निकालना पड़ेगा रफ में, कहीं भी निकाल लो, कहीं भी रफ में निकाल लो. नेट प्रॉफिट कितना है? 2 लाख. 2 लाख. इसमें से मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करूंगा. टोटल, इंडिविजुअल नहीं, टोटल 40, 30, 20, 40, 30, 20, कितना आता है? 90.
90 मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दिया, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है 15,000 वो मैंने प्लस कर दिया, ठीक है। और क्या है, और कुछ है, सैलरी 60,000 ईच, क्या लिखा ईच मतलब दोनों को, तो ये आया 1,20,000 माइनस। समझ में आ गया, सिंपल सी मैथ्स है, कर लेते हैं फटाफट से। 2 लाख माइनस 90,000 प्लस 15,000 माइनस 1,20,000, आपका आंसर आ रहा है सिर्फ 5,000। अब C का कितना है, C का 2/10, तो 5,000 को 2/10 से मल्टीप्लाई किया, ये आया 1,000। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो, क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं होता। टोटल अमाउंट C इज एंटाइटल टू रिसीव, तो ये जो इंटरेस्ट है 50,000 का जो मिलेगा इंटरेस्ट, ये भी तो C को मिल ही रहा है। मैं निकाल कह रहा हूँ कि C को टोटल अमाउंट कितना मिलेगा, तो इंटरेस्ट भी मिलेगा 50,000 का 10% कितना आता है भाई, 50,000 का 10% आता है 5,000। कितना आ गया ये, 5,000 आ गया। फटाफट से बताओ आंसर क्या आ रहा है, 20 - 10 = 10, 10 + 1 = 11, 5 = 16, 16,000 है आपका आंसर, जो ऑप्शन गिवन नहीं है, आंसर होगा D9। क्लियर हो गया, बहुतों को, बहुत बच्चों को लगता है कि नन तो हो नहीं सकता, हो गया भाई नन, अगर आपको गिवन है तो कुछ उसका सेंस होता है, ऐसा नहीं कि नन नहीं हो सकता और ऑल ऑफ द अबव हमेशा होगा, जरूरी नहीं होता, ठीक है। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखो जरा MCQ नंबर 14 जरा देखते हैं। ऐसा सेम क्वेश्चन, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके CBSE के सैम्पल पेपर में भी है, लेकिन मैंने उसमें कुछ और चेंजेस करें सो दैट आपको और अच्छे से समझ में आए। देखो देखो 14th क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, ऑन 1st of December 2020 टू पार्टनर्स पिंकी एंड पंकू दे हैव स्टार्टेड बिजनेस एंड सिंस दे वर गुड फ्रेंड्स दे डू नॉट हैव एनी एक्सप्लिसिट एग्रीमेंट। अब इस लाइन का मतलब क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है कि पार्टनरशिप शुरू कब हुई है, 1st of December को, 1st of December को ही शुरू हुई है, तो मतलब पूरे साल बिजनेस नहीं हुआ, सिर्फ 4 महीने हुआ, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, एक चीज तो ये ध्यान रखनी है। प्लस नो एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट एग्रीमेंट का मतलब है नो रिटर्न एग्रीमेंट, कोई भी रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, मतलब पार्टनरशिप डीड तो है ही नहीं, ठीक है। बोथ ऑफ देम इन्वेस्टेड 50,000 ईच एज कैपिटल, बुक्स आपको क्लोज होते दिख रही है, ठीक है। निकालना क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपसे पूछा गया कि भाई वो अमाउंट बताओ जो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करोगे ट्रांसफर। सिंपल सी बात बोलूं तो क्या मैं बोल सकता हूं कि आपसे डिविजिबल प्रॉफिट पूछा गया है, हाँ या ना, बिल्कुल सही। अब निकालेंगे कैसे, सेल्स आपको गिवन है 5 लाख, COGS है, रेंट है, सैलरी और फिक्स डिपॉजिट, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हमें लेनी है सेल्स, कितने की है सेल्स, 5 लाख की, ठीक है। इसमें से अगर मैं माइनस करता हूँ COGS माइनस करने में क्या आता है, 11th में पढ़ा होगा ना, 11th याद नहीं है यार, ये देखो 5 लाख - 3 लाख, इसको जब आप माइनस करते हो तो ये आता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट, लेकिन हमें वो नहीं चाहिए। सिंपल हमें क्या चाहिए, हमें पहले चाहिए नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट हम लेके जाएंगे PNL अप्रोप्रिएशन में और वहां से हम सैलरी वगैरह माइनस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद रेंट टू पिंकी, अब पिंकी कौन है पार्टनर, उसको रेंट पे कर रहे हो। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, पर मंथ गिवन है, कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए, तो 40,000 आपने ले लिया रेंट, ठीक है, यहां मैं लिखता हूं रेंट, ठीक है। अब है सैलरी टू ईच पार्टनर, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे सैलरी माइनस कर चुके होंगे, दोस्तों देखो सैलरी टू ईच पार्टनर है, माइनस नहीं होगी, क्यों, क्योंकि भाई एक्सप्लिसिट एग्रीमेंट मैंने क्या बताया आपको कि रिटर्न एग्रीमेंट तो है ही नहीं, और रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो भाई किस चीज की सैलरी, सैलरी नहीं मिलेगी। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, इंपॉर्टेंट 6% फिक्स डिपॉजिट जो आपने 1st of January को कराई है 1 लाख की, सबसे पहले तो फिक्स डिपॉजिट आपका है इन्वेस्टमेंट, फिक्स डिपॉजिट आपकी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट के आगे आपको गिवन है एक रेट, और ये रेट होता है उसका इंटरेस्ट, जैसे डिबेंचर्स के आगे एक परसेंटेज गिवन होती है वो क्या होता है उसका इंटरेस्ट, इसके आगे जो परसेंटेज गिवन है वो क्या है उसका इंटरेस्ट। तो आपने कुछ बैंक में इन्वेस्टमेंट करी है 1 लाख रुपीज की 1st January को, जिसपे आपको 6% का इंटरेस्ट मिलता है। अब 6% होता है पूरे साल का, तो 1 लाख का आपको क्या मिलेगा, 6% इंटरेस्ट फॉर 3 मंथ्स, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1500, इसको प्लस किया, प्लस करने के बाद आएगा मेरा नेट प्रॉफिट, क्या आएगा नेट प्रॉफिट 5 लाख - 3 = 2,160, 161,500 यार आपका 1,61,500 जो कि आपका है नेट प्रॉफिट, क्या है नेट प्रॉफिट। अब बात यह है कि भाई अप्रोप्रिएशन वाली कोई आइटम है ही नहीं, क्यों, क्योंकि पहली बात तो एग्रीमेंट ही नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है तो सैलरी वगैरह मिलेगी नहीं। आपका आंसर क्या आ गया, 161,500। अगेन ऑप्शन में मैं डालना भूल गया हूं, या तो आप इसको कर लो 161,500, ठीक है, पर आंसर कर लो ए, और अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप आंसर करोगे नन। हो सकता है मुझसे टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो, लेकिन क्वेश्चन समझ में आ गया ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। फटाफट से नेक्स्ट देखो 15th।
ओके सो 15th क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से. ए एंड बी दे आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2. ए इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन एंड बी इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन. इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है. सी अ मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स. नेट प्रॉफिट बिफोर एनी कमीशन आपको दे रखा है 1,10,000. बी की कमीशन निकालने के लिए कहा गया. अब देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको गिवन क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर एनी कमीशन. आपको क्या निकालना है, बी की कमीशन. अगर मैं देखता हूँ बी इज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन. अब यहाँ पे जो मेन वर्ड है ना वो है ऑल. ऑल कमीशन का मतलब क्या है, बाकी जितनी भी कमीशन है उनको लेस करने के बाद. अपनी तो करनी करनी है चार्ज, बाकी भी जितनी कमीशन है उनको लेस करने के बाद तब लगाओ मेरे पे कमीशन. ठीक है, तो सबसे पहले हम सी का निकाल लेते हैं क्योंकि वो बहुत आसान है. 1,10,000 गिवन है, इसका 10% निकालेंगे 11,000 आ जाएगा. क्लियर हो गया. ठीक है, फिर हम निकालेंगे नेट प्रॉफिट, क्योंकि नेट प्रॉफिट निकालेंगे कमीशन लेस करके. 1,10,000 का नेट प्रॉफिट था, इसमें से 11,000 में माइनस करता हूँ, आंसर आएगा 99,000. करेक्ट. अब देखो बी की पहले चार्ज करूँगा या ए की. ए की, क्यों, क्योंकि बी ने बोला आफ्टर चार्जिंग ऑल, तो पहले मैं ए की चार्ज करता हूँ. ए की कमीशन कितनी आएगी, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है, तो मतलब 99,000 का 10/110 ये आएगी 9,000. कितना बच गया, 90,000 बच गया. 90,000 बच गया और 90,000 में से आप सारी की सारी कमीशन को चार्ज कर चुके हो. मतलब आपने मैनेजर की माइनस कर दी, ए की माइनस कर दी. अब बी की अगर मुझे निकालनी है तो मैं सिंपली क्या करूंगा, 90,000 × 10/110. क्यों, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन गिवन है. ठीक है, तो अपनी कमीशन तो चार्ज करनी है. अपनी चार्ज कैसे करता हूँ, रेट अपॉन में 100+ रेट करके. अगर आफ्टर चार्जिंग ऑल गिवन है तो मतलब बाकी सबकी कमीशन लेस करने के बाद. तो मैंने ए की लेस कर दी, मैंने सी की भी लेस कर दी, बचा कितना, 90 × 10 डिवाइडेड बाई 110, 8181.8. तो अप्रॉक्सीमेटली आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी. क्लियर हो गया, फटाफट से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो ए एंड बी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द 2:1 रेशियो ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st मार्च. ए की ड्राइंग है 10,000 per month इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ एंड बी इज ड्राइंग वर 10,000 per month एट द एंड ऑफ एवरी मंथ. आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% per annum वाज नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन. एडजस्टमेंट एंट्री पास करो. है तो सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि मुझे प्रैक्टिस करानी थी ताकि पूरा चैप्टर कवर हो तो मैंने ये क्वेश्चन डाल दिया. फटाफट से करो. देखो सबसे पहले तो आपको निकालना होगा कि भाई ए की ड्राइंग्स आएगी कितनी, ए की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितनी आएगी. 10,000 पर मंथ है, मतलब 1,20,000 हो गया आपके पूरे साल की ड्राइंग. रेट आपको 12% गिवन है, मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड. अब आपको गिवन है एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ. बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ का मतलब पता है आपको क्या आएगा, ये 6.5 / 12. इसका निकाल लेते हैं, 120 × 12% × 6.5/12 और ये आपका आ रहा है 7,800. ए का कितना आ गया 7,800, तो इसको रखेंगे ध्यान. उसके बाद मैं निकालता हूँ बी का. बी का देखो कैसे निकालेंगे, निकालेंगे तो सेम तरीके से, कुछ अलग नहीं होगा. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ए का मेरा इंटरेस्ट आ चुका है 7,800. जगह की कमी है. बी का देखो सेम है, 10,000 per month लेकिन एंड ऑफ एवरी मंथ है, तो 120 × 12% × 5.5 एवरेज पीरियड आपको निकालने आता ही है आई होप. ठीक है, अब नहीं आएगा तो फिर तो बेटा कभी आएगा. 120 × 12% × 5.5/12 आंसर आ गया 6,600. दोनों का इंटरेस्ट निकल गया. बस अब आपको क्या करना है, आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, वो आपको आती है ना. कैसे करेंगे देखो फटाफट से देख लो, जल्दी देखते हैं. ये आ गया आपका ए बी और ये आपकी आ गई फर्म. ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या मेंशन है कि इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाज नॉट टेकन. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना है मतलब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे. क्या होंगे, डेबिट होंगे. कितने से, 7,800 और ये आया 6,600 और फर्म के मजे हो गए. दोनों को प्लस करेंगे, 7,800 + 6,600 14,400 से मजे हो गए. तो जो ये मजे हुए हैं वो अकेले नहीं लेता, वो बांट देता है पार्टनर्स में. 14,400 बटेगा ए और बी में उनकी रेशियो में. रेशियो कितने की बना, 2:1 में इसको बांट देंगे. ये आएगा 4,800, तो बी को 4,800 का क्रेडिट हो जाएगा और इसको हो जाएगा आपको 9,600 का क्रेडिट. कोई दिक्कत नहीं हुई. ठीक है, आपसे पूछा गया एडजस्टमेंट एंट्री, 7,800 - 9,600 कितना होता है दोस्तों, 1,800 होता है.
तो ए का अकाउंट क्रेडिट होगा 1800 से, ए विल बी क्रेडिटेड, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। सिंपल था, इसमें कुछ खास नहीं था, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ओके 17th क्वेश्चन फटाफट से देखते हैं, 17th क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है। ए बी एंड सी दे आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट सी इज टू गेट अ मिनिमम अमाउंट ऑफ 50,000, तो सी को 50,000 की मिलेगी गारंटी एवरी ईयर। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है, वेयर एज ए गारंटीड अ ग्रॉस फीस ऑफ 1 lakh टू द फर्म। दो गारंटी है, एक तो जो सी पार्टनर है उसको मिली है 50,000 की, मेंशन नहीं है किसने दिया, इसका मतलब बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स देंगे ए और बी। उसके बाद ए ने एक गारंटी दी है फर्म को कि मैं आपको 1 lakh रुपीज की फीस अर्न करके दिखाऊंगा, एक्चुअल फीस हुई 70,000। तो ए को अपनी जेब से 30,000 रुपीज और देने होंगे किसको, पार्टनरशिप फर्म को। ठीक है, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है कितना, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आपको गिवन है 120, आपको निकालना क्या है ए का प्रॉफिट का शेयर। अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम बना लेते हैं कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन इसमें दिखेगा कैसे, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ये हो गया आपका पीएनएल अप्रोप्रिएशन। अब देखो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ कि हमारा नेट प्रॉफिट कितना है, हमारा नेट प्रॉफिट है 1,20,000। 1,20,000 में मुझे जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने हैं 10%, कितना आ गया 12,000। अब आते हैं गारंटीज पे। ठीक है, गारंटी क्या है, सबसे पहली है 1 lakh की फीस गारंटी की थी लेकिन 70,000 अर्न करे तो पार्टनर देगा पार्टनरशिप फर्म को, तो पार्टनरशिप फर्म का तो क्रेडिट हो जाएगा ए इज कैपिटल अकाउंट, कितना 30,000, क्योंकि ए दे रहा है किसको दे रहा है, पार्टनरशिप फर्म को दे रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे अब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर आप देखो 150 का मेरे पास था प्रॉफिट जिसमें से 12,000 रिजर्व में ट्रांसफर हो गए, बच कितना गया 138। सी को मिली है गारंटी, सी का शेयर कितना है 1/6, इसको करते हैं 1/6, कितना आ रहा है भाई 1,38,000/6, आंसर आ रहा है 23,000। अरे बाबा रे बाबा, गारंटी मिली है 50 की, तो बाकी जो 27,000 का डेफिशिएंसी है, 27,000 का डेफिशिएंसी कौन शेयर करेगा, ए और बी शेयर करेंगे, कौन सी रेशियो में, 3:2 की आपस की रेशियो में। ठीक है, अब मुझे देखो ए का निकालना है डायरेक्टली, तो मैं पहले क्या करता हूँ, सिर्फ ए का निकालता हूँ, बी का क्यों निकालूंगा। ए की डेफिशिएंसी कितनी आएगी, 27,000 × 3/5 = 16,200, ये उसकी डेफिशिएंसी। मैं सिंपल निकाल लेता हूँ कि ए को शेयर मिलना कितना था, 1,38,000 का उसका प्रॉफिट था × 3/6, मिलना था 69,000, जिसमें से उसने 16,200 के दिए गारंटी, −16,200 52,800 आ गया आंसर, जो ऑप्शन में आपको दिख नहीं रहा। अगेन हो सकता है मैंने गलत टाइप करा हो, 52,800 इज द आंसर। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, समझ में आ गया, राइट। ओके 18th क्वेश्चन देखो फटाफट से, खत्म होने वाले। ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म विदाउट एनी पार्टनरशिप डी, दे एडमिटेड सी इनटू द पार्टनरशिप ऑन 1 April, बिफोर दैट सी हैज गिवन द लोन ऑफ 1 lakh। ओहो ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लो। बिफोर दैट सी हैज गिवन द लोन ऑफ 1 lakh टू द पार्टनरशिप ऑन 1 May 2019, कब, 10% रेट से। ठीक है, नाउ हाउ मच इंटरेस्ट शुड बी पेड टू सी, क्वेश्चन समझ रहे हो, ध्यान से समझो। दो पार्टनर्स हैं जिसमें पार्टनरशिप डीड नहीं है, सी को एडमिट किया, कब किया, 1 April को, लेकिन जो सी पहले था मैनेजर वगैरह कुछ भी था, पहले सी ने लोन दे रखा है पार्टनरशिप फर्म को 1 lakh रुपीज का, जिसपे उसको 10% का इंटरेस्ट मिलता है। अब कितना मिलेगा, क्यों ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि भाई बात ऐसी है, अब सी बन गया पार्टनर, क्या बन गया है पार्टनर, सी क्या बन गया पार्टनर, पार्टनर ने दे रखा है लोन, और लोन पे रेट कितना मिलेगा 6% से, क्यों, क्योंकि पार्टनरशिप रेट तो है नहीं, करोगे ना 6% नहीं है, आंसर 10% ही होगा, मेरी बात ध्यान से सुनो। ठीक है, लोन कब दिया था, पार्टनर बनने से पहले, पार्टनर बनने से पहले May 2019 में, क्या उस टाइम वो पार्टनर था, नहीं, तो बेटा जिस रेट से उसको इंटरेस्ट पहले मिल रहा था अभी भी उसी रेट से मिलेगा, 6% मिलता अगर पार्टनर बनने के बाद वो लोन देता, आंसर है 10% पर एनम, समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन था। 19 देखो, ए बी ड्रॉस 25,000 क्वार्टरली एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ क्या करोगे आप, 25,000 क्वार्टरली है मतलब 1 lakh है ना, 1 lakh, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, एवरेज रेट निकाल लोगे एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब 12 + 3/2 कितना आता है ये 7.5, यही करोगे ना, मैं बताता हूँ आप क्या करोगे, 1 lakh मल्टीप्लाई बाय 7/5/12 × 10/100, गलत है। क्या बात कर रहे हो सर, हाँ जी मैं आपको बताता हूँ गलत क्यों है, गलत इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ा नहीं है, यहाँ पे गिवन है 10%,
10% पर एनम वर्ड गिवन नहीं है। पढ़ा या नहीं पढ़ा? ओ हाँ हाँ जी, पर एनम वर्ड गिवन नहीं होता तो आप हमेशा पूरे साल का इंटरेस्ट लगा देते हो, एवरेज पीरियड कंसीडर ही नहीं करते। समझ में आ गया? तो यहाँ पे सिंपली क्या करोगे, 1 लाख का 10% और बात हो गई खत्म। आंसर आ गया आपका 10,000। बात समझ में आई? राइट, तो ये थे आज हमारे पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे आपने देखा होगा, हर क्वेश्चन में कोई ऐसी बात थी जो इंपॉर्टेंट थी, जो शायद आपने पहले नहीं पढ़ी होगी और अब पढ़ना जरूरी था। हाँ या ना? अगर आपको लगता है कि हाँ भाई अब मेरी पार्टनरशिप फंडामेंटल्स की तैयारी हो चुकी है, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा था, नोट्स आपको दे दिए गए हैं, एमसीक्यूज के चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, रिवीजन सीरीज सब कुछ है, तो पार्टनरशिप फंडामेंटल यहाँ पे खत्म होता है। एमसीक्यूज की पीडीएफ आपको नीचे लिंक में मिल जाएगी, ऐप पे मिल जाएगी, टेलीग्राम हर जगह दे दूंगा, टेंशन नहीं। ठीक है, तो फटाफट से लाइक कर देना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब आपने कर ही दिया होगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको डेली मिलता रहेगा जब तक आपके एग्जाम नहीं होते। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।